हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी रोज रोज बस वही नाश्ता खा खा कर हो गए हो बोर? तो ये रेसिपी है आपके लिए। सुबह का नाश्ता हो या फिर हो छोटी मोटी भूख, या हो बच्चों को टिफ़िन में देना, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में बनकर ये तैयार हो जाता है। आप जल्दबाजी में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप गेहूँ का आटा, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसे मिला देंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे चम्मच से इस तरीके से पहले मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद हमें इसको फेंटना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने मिला लिया है, और यहाँ पर हम जो हैंड ब्लेंडर की सहायता से हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटेंगे। फेंटने से क्या होता है कि जो इसमें जितने भी लम्स बने होते हैं ना, वो सब हट जाते हैं, लम्स जो है नहीं बने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खीरा जिसको मैंने अच्छे से छील के धो लिया था, उसको मैंने ग्रेट करके लिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन और जीरा डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, और फिर इसमें थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और बस इन सभी चीज़ों को डाल के हमें काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इसे मिला लेना है, जो भी मसाला है ना बिल्कुल आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लिया, और बैटर का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कच्चा अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडे को भी डाल के काफ़ी अच्छी तरीके से मिला दिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे मिलाना है। बैटर को आप देख सकते हैं, बैटर हमारा किस तरीके का बना है, और इसी तरीके से आपको बैटर बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने रखा है गैस पर तवा, और तवा पर मैंने डाला है 2 छोटा चम्मच के लगभग मैंने तेल डाला है। तेल को अच्छे से हम तवा पे फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले बार में ना तेल थोड़ा सा, बस 2 चम्मच लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जो बार बार बनाइएगा ना, तो उस समय तेल आपको कम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तवा हमारा गर्म था ही, तेल को डाल के हमने उसको भी गर्म कर लिया। उसके बाद गहरे चम्मच से मैंने 1 चम्मच बैटर इसमें डाला है, और इस तरीके से हम फैला लेंगे, जिस तरीके से हम डोसा या फिर चिल्ला फैलाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमें इसे फैला लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे फैला लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे फैला लिया है, तो नीचे से अब हमें इसे पकने देना है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे से काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है, तो मैंने इसे इस तरीके से पलट दिया है। पलटने के बाद हम गैस का फ्लेम यहाँ पर कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर हमें इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सेकना है। उलटते पलटते हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेकना है, जब तक ऊपर से एकदम क्रिस्पी सा नहीं बन जाए ना, तब तक हमें सेकना है। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता ना बहुत ही मज़ेदार बनता है, और टेस्टी भी उतना ही होता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ये सॉफ्ट, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, और ऊपर अंदर से ना बहुत ही ये सॉफ्ट होता है। तो मैं आपको लास्ट में तोड़ के भी दिखाऊँगी, और मैं दिखाऊँगी ये नाश्ता कितना सॉफ्ट बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है, मैंने इसे निकाल लिया। अब दूसरी बार में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, और बस इसको इस तरीके से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बैटर, और बैटर डाल के हमें इस तरीके से फैला लेना है, चिल्ला की तरह या फिर डोसा जैसे फैलाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमें इस तरीके से फैला लेना है। तो बस इसी तरीके से फैला लेना है, और उसके बाद हमें पकने देना है नीचे से। जब नीचे से पक जाएगा तब हमें इसे पलट देना है, और बस उलटते पलटते हमें इसको काफ़ी अच्छी तरीके से सेक लेना है। जब तक इसका एक कलर सुनहरा सा नहीं हो जाता है ना, तब तक हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेक लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा रेडी हो गया, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से मैं सभी को बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी को कर लिया रेडी, और देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बना है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको दिखाती भी हूँ, अभी देखिएगा, मैं इसको हाथ में लेके दिखाऊंगी, ये बहुत ही सॉफ्ट, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है ये। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप ना सुबह में बना सकते हैं, या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, या फिर हो भूख बहुत तेज़ वाली, तो आप इसे जल्दबाजी में इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही कम ऑयली में, और ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने घर के सामान से हम कितना मज़ेदार नाश्ता बना सकते हैं, और कितना सॉफ्ट और बिल्कुल कम तेल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी मैं न्यू रेसिपी आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।